चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट 24 का एग्जाम डेट अनाउंस हो चुका है, ये आपको पहले ही मालूम चल गया होगा। जो नीट का एग्जाम होता है हर साल मई महीने के फर्स्ट संडे को एग्जाम कंडक्ट होता है। हालांकि पिछले 2-3 सालों से ये एग्जाम पोस्टपोन होता आ रहा है, लेकिन अभी सही समय पर एग्जाम हो रहा है। 23 में इस साल भी ये सही समय पर एग्जाम हुआ था और 24 में भी ये मई महीने के फर्स्ट संडे को एग्जाम होगा। कहने का मतलब ये है कि जो पहले वाला शेड्यूल था वही शेड्यूल अभी आ चुका है। हमारे मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि जब ये मई के फर्स्ट संडे को एग्जाम है तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। तो एनटीए ने 14 सितंबर 23 को 24 के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी किया था, उसमें नीट का भी एग्जाम डेट अनाउंस किया था 5 मई 24 को, और ये पेन एंड पेपर मोड पर एग्जाम होगा। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो जनवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पहले जब सीबीएसई कंडक्ट करवाती थी एग्जाम नीट का तो उस समय दिसंबर में ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन एनटीए जब से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तब से ये शेड्यूल थोड़ा सा लेट हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने का। अब एक बार हम प्रीवियस ईयर का देख लेते थे तो प्रीवियस ईयर में जो 15 दिसंबर 23 को एग्जाम की डेट अनाउंस की थी एनटीए ने नीट की, उसके अकॉर्डिंग ये जो एप्लीकेशन फॉर्म थे 6 मार्च 23 को स्टार्ट हुए थे। तो इस बार एग्जाम डेट काफी पहले ही अनाउंस हो चुकी है, यानी कि ये 5 मई 24 के लिए जो एग्जाम अनाउंस हुई है 14 सितंबर 23 को ही एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। तो अभी सफिशियंट टाइम है नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाने के लिए। तो जहां तक पॉसिबिलिटी है जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाए जा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। हालांकि जब एक बार नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है तो हमारे भी दिमाग में ये बात आ जाती है कि अभी हम नीट 24 का एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और हमें तैयारी और भी ज्यादा कर देनी चाहिए। लेकिन आपने तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर किसी कैंडिडेट ने अभी तक भी स्टार्ट नहीं की है तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दे, अभी भी आपके पास में काफी समय है, यानी कि 3 मंथ्स इसी साल के बचे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने अगले साल के हैं। टोटल आपके पास 7th मंथ का समय है और इस 7th मंथ के समय में आप तैयारी करके अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। अगर पिछला हम हिसाब देखें तो पिछली बार तो 31 दिसंबर को काउंसलिंग एंड हुई थी और मात्र स्टूडेंट के लिए 4 महीने का समय मिला था तैयारी करने के लिए, एग्जाम की तैयारी करने के लिए। काउंसलिंग के बाद स्टूडेंट को ओनली 4 मंथ का समय मिला था। अभी आपके पास में काफी समय है। जो स्टूडेंट नीट 24 का एग्जाम देना चाहते हैं अगर अभी से तैयारी करते हैं तो वो एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से ये देखा गया है प्रीवियस ईयर में भी देखा गया है, क्योंकि जो समय होता है तैयारी करने का ये 7-8 महीने का ही समय होता है, उससे पहले तो एक धीमी गति से स्टडी होती रहती है, स्टूडेंट स्लोली स्लोली पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे समय नजदीक आता है तो तैयारी ज्यादा करनी पड़ती है और तैयारी अभी आपको शुरू कर देनी चाहिए अगर आप नीट 24 का एग्जाम दे रहे हैं तो, क्योंकि आपके पास अभी बहुत समय है। और मैंने ये अक्सर देखा है कि इसी समय में स्टूडेंट तैयारी करके अच्छा स्कोर खड़ा करते हैं। तो तैयार रहे नीट 24 की एग्जाम के लिए। 5 मई 24 को आपका एग्जाम डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म आपके जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। आपने एप्लीकेशन फॉर्म का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म आपके चाहे कभी भी स्टार्ट हो, आपका जो एग्जाम डेट है उसका आपको टारगेट लेके चलना है और वो 5 मई 24 है। तो समय समय पर हम आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तब आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।